फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको दुर्गा माँ का मूर्ति बनाना सिखाया था और इस वीडियो में हम लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कार्तिक जी का मूर्ति बनाना सीखेंगे। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाएंगे। जिस लकड़ी पे हमने पिछले वीडियो में दुर्गा माँ का मूर्ति बनाया था, उसी लकड़ी में हमने दो कील ठोक लिया था पिछले वीडियो में, और इसी कील में हम 6-6 इंच का दो बाम्बू स्टिक को धागे की हेल्प से बांध लेंगे। देखिए, कुछ इस टाइप से दोनों साइड से इसी टाइप से लकड़ी को बांध लेना है और इसी पे हम मूर्ति बनाएंगे। इसी में स्ट्रक्चर के लिए देखिए दोनों साइड से बांधे, और इसमें हमने फेविकॉल भी लगा दिया ताकि ये धागा खुले ना। और अब हम देखिए इस टाइप से मिट्टी लगाएंगे दोनों साइड से, इसी टाइप से लगाना है। इसमें हम कमल का फूल बनाएंगे तो हम लास्ट में बनाएंगे, पहले इस टाइप से हम मिट्टी लगाकर इसको क्लीन कर लेंगे ब्रश की हेल्प से दोनों साइड से। इसके बाद हम लक्ष्मी जी का बॉडी बनाएंगे। तो देखिए हमने स्टिक में इस टाइप से मिट्टी लगा दिया है, दोनों साइड से मूर्ति एक ही साथ बनाते चलेंगे। देखिए इधर भी सरस्वती जी का हमने बॉडी बना दिया है। इसके बाद हम मूर्ति का पैर बनाएंगे। तो हमने दो क्वाइल बना लिया है एक ही साइज का, ऊपर के साइड मोटा और नीचे के साइड पतला, इस टाइप से क्वाइल बना लिया। और देखिए इस टाइप से चिपकाना है, किस टाइप से हमने टेढ़ा किया है ये भी आप ध्यान से देखते रहिए। और इसी टाइप से सेम इधर भी सरस्वती जी का पैर को हम लगा देंगे। देखिए इसी टाइप से ज्वाइंट करना है और सबको क्लीन करते रहना है, उंगली में पानी लगाकर अच्छे से ज्वाइंट करें ताकि गिरे ना ये। देखिए इस टाइप से इनका भी पैर हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों मूर्ति का पैर लगा दिया है। इसके बाद हम ब्रश में पानी लगाकर पूरे बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए हमने क्लीन कर लिया है दोनों मूर्ति का। अब हम पैर का उंगली बना लेंगे। तो देखिए हमने बस लंबा लंबा लकीर खींचा है और पैर का उंगली बन चुका है। इसी टाइप से दोनों साइड हम बना लिए हैं। ऊपर के साइड हमने पतला सा एक लकड़ी लगाकर गर्दन बना लिया है दोनों मूर्ति का, और इसी में हम फेस लगाएंगे। तो फेस का वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, आप देख लेना वहाँ से। देखिए इस टाइप से हमने फेस बना लिया है और फेस का हमने मोल्ड भी तैयार कर लिया। देखिए मोल्ड का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। मैंने एक ही फेस बनाया था और उसी का मोल्ड तैयार करने के बाद मुझे जितना भी फेस बनाना रहता है तुरंत बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। देखिए हमने दोनों फेस को लगा दिया है। इसके बाद हम मूर्ति का हाथ बना लेंगे। तो देखिए हाथ बनाने के लिए भी हमने लंबा क्वाइल बनाया, इस टाइप से ऊपर के साइड मोटा और नीचे के साइड पतला, और इसके बाद हमने पतला पतला क्वाइल बनाकर चार उंगलियां बना लिया है इस टाइप से, और इसी को चिपकाना है। देखिए यहाँ पे पानी की हेल्प से हम चिपका लेंगे, चार उंगलियां बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए हमने हाथ को कैसे बनाया है, क्योंकि मैंने एक ही हाथ बनाने के बारे में आपको दिखाया है इस वीडियो में। और इसी टाइप से हम लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी का हाथ बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने इस हाथ को कैसे बनाया है, और इसी टाइप से सभी भगवान का हाथ हम बना लेंगे। देखिए इस टाइप से हमने बना लिया है, और इसके बाद हम छोटा सा एक अंगूठा भी यहाँ पे लगा देंगे। देखिए बहुत ईजी है ये, और ये हाथ बनकर रेडी है। इस पर हमने सुई से लकीर खींचा है, देखिए जैसे हाथ पे हथेली पे लकीर होता है, और ये हाथ बनकर रेडी है। अब इसको हम मूर्ति में फिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से ज्वाइंट करना है ताकि गिरे ना। इसी टाइप से दूसरे साइड से भी हाथ को फिक्स कर देंगे। देखिए कुछ इस टाइप से पीछे से भी मिट्टी लगाकर अच्छे से ज्वाइंट कर लें हाथ को। फ्रेंड्स, हाथ टूट कर गिरे ना, इसके लिए हमने सपोर्ट के लिए नीचे से थोड़ा सा मिट्टी लगा दी है। जब हल्का हार्ड हो जाएगा तो हम इस मिट्टी को हटा देंगे। और देखिए हमने सबको क्लीन भी कर लिया है, एक अंगूठा भी लगा दिया है, और अब हम कान लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमने लक्ष्मी जी का मूर्ति बना लिया है। इसके बाद हम सरस्वती जी का मूर्ति बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले मिट्टी से एक बीना बना लिया है, और बीना को सीधा रखने के लिए हमने इसमें एक स्टिक लगा दिया है पतला सा, देखिए सीख। और अब हम बीना को हाथ में फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी में हाथ को फिक्स कर देंगे, उसके बाद बीना को हम लगाएंगे। तो देखिए हाथ को यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है अच्छे से, और हाथ को ज्वाइंट करने के बाद इसके बाद बीना को रख कर देख लेना है, और पीछे से देखिए, और पीछे से इसमें मिट्टी लगाकर हम ज्वाइंट कर देंगे ताकि बीना गिरे ना। देखिए हमने यहाँ पे पीछे से मिट्टी लगाया है इसको ज्वाइंट करने के लिए। इसके बाद दूसरा जो हाथ है इसको लगाएंगे। तो पहले हमने कान लगा दिया है, और इसके बाद दूसरे हाथ को यहाँ पे चिपका देंगे अच्छे से। इसके बाद मैंने मूर्ति को क्लीन कर लिया है पानी से, उंगली में पानी लगाकर। देखिए मूर्ति बनकर रेडी है सरस्वती जी का। अब हम नीचे के साइड कमल का फूल बनाएंगे। तो हमने इस टाइप से पंखुड़ी बना लिया है छोटा छोटा बहुत सारा, और इसी को यहाँ पे हम चिपकाएंगे। देखिए दबाकर चिपका देना है बहुत सारा, चारों साइड से लगा देंगे इसी टाइप से, दोनों मूर्ति में इसी टाइप से बनाना है। और देखिए हमने इस टाइप से लकीर खींचा है, इस पर डिटेलिंग किया है पंखुड़ी पे, और इसको क्लीन करना है ब्रश में पानी लगाकर। और देखिए हमने दोनों साइड से इसी टाइप से कमल का फूल बना लिया है। इसके बाद मैंने एक टाइल्स का टुकड़ा लिया है, आप इसके जगह लकड़ी का तख्ता भी ले सकते हैं, और इसी में हम बम्बू स्टिक को चिपकाएंगे एमसील की हेल्प से। एमसील में दो क्ले होता है, दोनों को मिक्स करके एक क्ले बन जाएगा, और उसी की हेल्प से हम यहाँ पे चिपका देंगे। देखिए कुछ इस टाइप से यह स्टिक यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा, गिरेगा नहीं। इसी स्टिक में हम गणेश जी और कार्तिक जी का मूर्ति बनाएंगे दोनों साइड से। हमने दोनों साइड से देखिए स्टिक को खड़ा कर दिया, और ये हार्ड भी हो चुका है। इसके बाद बीच में हम इस मूर्ति को रख देंगे। देखिए इस टाइप से आप चाहे तो इस तख्ता को यहाँ पे हॉट ग्लू से चिपका भी सकते हो टाइल्स में, आप चाहे तो एक ही तख्ता पे मूर्ति को पूरा बना सकते हो। मेरे पास इतना बड़ा तख्ता नहीं था,
चलिए अब गणेश जी बनाते हैं। तो हमने उनके बैठने के लिए इस टाइप का एक स्टूल बना लिया है सिंपल सा, और इसी पे हम गणेश जी को बनाएंगे। मैंने गणेश जी का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप डिटेल में देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो वीडियो। देखिए अब उनका हम पेट बनाएंगे इस टाइप से, गोल इस टाइप से मिट्टी हमने लगा दी। इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी लगाएंगे जिससे इनका चेस्ट बनाएंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमने बनाने का कोशिश किया है यहाँ पे। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए हमने बॉडी पे कहाँ कहाँ पे मिट्टी ऐड किया है। इसके बाद हम इनका पैर लगा देंगे। पैर को लगाने के बाद मूर्ति को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ब्रश में पानी लगाकर, और इसके बाद हम कार्तिक जी का मूर्ति बनाएंगे। यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले इनका बॉडी बनाया है, तो देखिए स्टिक में हमने इस टाइप से मिट्टी लगाकर सबसे पहले इनका बॉडी बना लेंगे, और इसके बाद इसी बॉडी में हम पैर को ज्वाइन करेंगे। पैर में हमने नीचे की साइड जूती बना लिया है, जैसे हमने महिषासुर का जूती बनाया था पैर में, आप चाहे तो उंगली भी बना सकते हो, और इस टाइप से ज्वाइन कर देंगे अच्छे से मिट्टी लगाकर। इसके बाद हम इनका चेस्ट बना लेंगे। तो आप देखिए हमने कहाँ कहाँ पे मिट्टी ऐड किया है इनके बॉडी पे, और सबको पानी से क्लीन करते रहना है। फ्रेंड्स मूर्ति के बॉडी के डिटेलिंग के लिए जो मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ यह बहुत ही सस्ता है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हो, मैंने इसे अमेजोन से खरीदा है। फ्रेंड्स मूर्ति के बॉडी को बनाने के बाद हमने पानी से इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से। इसके बाद हम एक छोटा सा मोर बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने मोर को कैसे बनाया है, और मोर बनाने के बाद हम कार्तिक जी के दोनों पैर के बीच में हम इसको लगा देंगे, क्योंकि इस इनको मोर पर बैठा हुआ बनाना है मूर्ति। देखिए हमने यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया इसको, और इस पे हमने सुई से कुछ डिटेलिंग भी कर दिया है, और एक पतला पतला सीक लगाकर इसका पैर बना दिया है। इसके बाद हम कार्तिक जी के फेस को लगा देंगे, देखिए बॉडी में फिक्स कर देंगे, और गर्दन भी बना लेंगे कुछ मिट्टी लगाकर इस टाइप से, और इसके बाद इनका कान बना देंगे हम। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा स्पीड है, तो अगर आपको जहां समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, या आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। इसके बाद हमने कार्तिक जी के हाथ को भी फिक्स कर दिया है, देखिए दोनों साइड से एक एक हाथ को लगा देंगे। हमने शुरू में जैसे बताया था हाथ बनाना, उसी टाइप से हमने सारे मूर्ति का हाथ बनाया, देखिए, और इसको ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से। और गणेश जी के भी हाथ को हम लगा देंगे, इनका हाथ हम चार रखेंगे, देखिए दो हमने लगा दिया है हाथ, और इसके बाद पीछे से भी दो हाथ को हम लगा देंगे अच्छे से। चारों हाथ लगाने के बाद दोनों मूर्ति को अच्छे से क्लीन कर लेना है ब्रश में पानी लगाकर, गणेश जी और कार्तिक जी को दोनों को इसी टाइप से क्लीन कर लेना है। मूर्ति को क्लीन करने के बाद सुई की हेल्प से हम पैर का उंगली बना लेंगे गणेश जी का, और इसके बाद इनका फेस बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखें हमने फेस को कैसे बनाए। सबसे पहले हमने थोड़ा सा मिट्टी लगाया है फेस बनाने के लिए, उसके बाद पतला क्वाइल बनाकर उसी की हेल्प से हम सूंड बना देंगे, और देखिए यहाँ पे सूंड को ज्वाइंट कर दिया, और गाल पे भी हमने थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड किया है। बस आप देखिए ध्यान से हमने कहाँ कहाँ पे फेस पे मिट्टी ऐड किया है। इसके बाद हम सबको क्लीन कर लेंगे, और इसके बाद आइज बना लेंगे, देखिए इस टाइप से। ऊपर में हमने क्राउन भी बना दिया है मुकुट लगाने के लिए, देखिए इस टाइप से। और इसके बाद हम कान बना देंगे दोनों साइड से, और इस पे भी हम लंबा लंबा लकीर खींच लेंगे, और कान को भी क्लीन कर लेना है अच्छे से। सूट पे भी देखिए इस टाइप से कर लेना है, और सूट को मोड़ लेंगे इस टाइप से, और नीचे के साइड हमने दो होल कर लिया है सूट पे। मिट्टी से हमने छोटा छोटा दांत बनाकर भी हमने लगा दिया है यहाँ पे। इसके बाद हम इनका आईज बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इनमें आँख को कैसे बनाए हैं। फ्रेंड्स हमने गणेश जी के आँख को बना लिया। इसके बाद हम इनका सवारी मूसक को बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे मूसक को कैसे बनाए हैं, और इस मूसक के हाथ में हम एक छोटा सा लड्डू भी पकड़ा देंगे। बस आप ध्यान से देखें हमने मूसक को कैसे बनाया है। मूसक के बॉडी को डिटेलिंग करने के लिए हमने सुई का हेल्प लिया है, देखिए सुई से हम इस टाइप से बना लेंगे, और पेन की रिफिल से हमने इसका आईज बना लिया है मूसक का। बहुत आसानी से इसका आँख बन जाएगा, और पतले पतले क्वाइल की हेल्प से हम इसका पैर वगैरह बना लेंगे। हमने लड्डू बनाए हैं देखिए, इसके बाद इसका पैर बना लेंगे और हाथ भी बना लेंगे। फ्रेंड्स हमने मूसक बना लिया है देखिए, अब इसको हम गणेश जी के बगल में रख देंगे, और इसके बाद हम सरस्वती जी का वाहन हंस को बनाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से हमने हंस को कैसे बनाए हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा फास्ट है, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, और इसके बॉडी पे भी डिटेलिंग के लिए हमने सुई का हेल्प लिया है देखिए, और पेन की रिफिल से हमने आईज बना दिया, देखिए पंख पे भी हम सुई की हेल्प से डिटेलिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमने बत्तख को बना लिया है हंस को, और इस हंस को हम फिर सरस्वती जी के बगल में रख देंगे देखिए। इसके बाद हम लक्ष्मी जी का जो वाहन उल्लू होता है उल्लू को बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने उल्लू को कैसे बनाया है। उल्लू का भी बॉडी का डिटेलिंग के लिए हमने सुई का हेल्प लिया है। सबसे पहले हमने देखिए चूंच बना दिया है, इसके बाद इसका हम कान बना देंगे दोनों साइड से, और इसके बाद इसका आईज बनाएंगे। आँख को बनाने के लिए हमने पहले छोटा छोटा गोल गोल इस टाइप से मिट्टी को यहाँ पे देखिए चिपकाया है दोनों साइड से, और इसके बाद हमने पेन की रिफिल से आँख को बना दिया, देखिए कितना प्यारा ये आँख बन चुका है। इसके बाद चोंच पे भी हमने डिटेलिंग किया है सुई से, और इसके बाद दोनों साइड से हम पंख बनाएंगे। पंख बनाने से पहले देखिए खड़ा करने के लिए इस टाइप से नीचे से हमने मिट्टी लगाया है, और दोनों साइड से हमने पंख बना दिया, और इस पे भी हम देखिए सुई से डिटेलिंग कर लेंगे।
उल्लू के पंख और बॉडी पे हमने देखे पेन की रिफिल से इस टाइप से डिजाइन बना दिया है। उसके बाद इसका आईब्रो भी हम ऊपर से बना देंगे और नीचे के साइड इसका पंजा बनाने के लिए हमने पतला पतला कॉइल को चिपका कर इस टाइप से पंजा बना लिया है और ये उल्लू बनकर रेडी है। देखिए इसको हमने लक्ष्मी जी के बगल में रख दिया है और ये मूर्ति बनकर रेडी है। देखिए इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको ये मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टा पे जरूर शेयर करिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस मूर्ति को कलर करना सीखेंगे और इसमें जितने भी क्रैक्स आए हुए हैं सबको ठीक करना सीखेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।